हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और जय माता दी। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। लास्ट वीडियो क्या, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। ये जो आप मेरा सेकंड वीडियो देख रहे हैं, माता वैष्णो देवी के बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद, जब हम लोग वहाँ से उतरे, चढ़ाई करने के बाद हमने डिनर किया और फिर हम लोग जाकर सो गए। हमने बहुत अच्छे वाला रेस्ट किया। फिर मॉर्निंग में हमने इनोवा हायर किया और अपनी फैमिली के साथ हम लोग ये घूमने के लिए निकल गए। उस दिन हम लोगों ने तीन जगह पर ट्रैवल किया, तीन जगह हम लोगों ने कवर किया, पटनी टॉप, नत्था टॉप और सनासर। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, जब भी आप माता वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान करें तो दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। इतनी खूबसूरत जगह है ना कि आपकी सारी थकान उतर जाएगी। मतलब माता रानी के दर्शन करने के बाद आप इतनी सुंदर जगह जाओगे। पटनी टॉप तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन नत्था टॉप और सनासर जगह बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, मेरे ब्रदर ने मुझे रिकमेंड किया था लास्ट टाइम जब वो आया था, तो उसने वो घूम कर गया था यहाँ से और उसने मुझे हाईली रिकमेंड किया था कि सिस्टर आप दीदी आप ज़रूर जाना। पहले तो एक्चुअली हमारा प्लान ऐसे था कि हम लोग पहले शिवकोड़ी जाएंगे, एक दिन हम शिवकोड़ी घूमेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग पटनी टॉप जाएंगे। लेकिन जब आप लोग दर्शन कर कर आते हैं तो यू नो हम लोग काफ़ी थक जाते हैं, तो हमने यही सोचा कि शिवकोड़ी अगर जाएंगे तो वहाँ भी 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यही प्लान किया कि हम लोग जो है आज के दिन यहाँ पर घूमने जाएंगे। और अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी का स्रोता है, पहाड़ों से ये डायरेक्ट पानी आ रहा है और मिनरल वाटर भी ना फेल है इसके आगे। पटनी टॉप जाते हुए हम यहाँ पर रुके थे। यहाँ पे एक बड़ी ही फेमस शॉप है, प्रेम दी हट्टी के नाम से, और पतीसा मिलता है, सोन पापड़ी भी कहते हैं इसको, पतीसा भी बोलते हैं, और ज़रूर लेना, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा था, रियली सो यमी। हम लोग काफ़ी सारा लेकर आए थे दिल्ली में अपने रिलेटिव्स के लिए भी, और आप लोग भी लेकर आना खाना और अपने रिलेटिव्स को खिलाना। और काफ़ी दिन तक ये बहुत अच्छा रहा, मतलब ख़राब भी नहीं हुआ जल्दी से, वैसे हम लोगों ने फ्रिज में रख लिया। एक बार देख लेना, वीडियो है, वीडियो पत्नी चौक, बस चौक, पत्नी चौक, एनीवन एंजॉय। पटनी टॉप में नाग देवता जी का मंदिर है। हमारे ड्राइवर भैया सबसे पहले आप हमें यही मंदिर लेकर आए थे। आप यहाँ पे बहुत सारी वुडन आइटम्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं, सूट्स खरीद सकते हैं, शॉल्स खरीद सकते हैं आप। मंदिर के अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है। ये लीजिए, अब हम आ गए हैं पटनी टॉप, और ये जो हट्स आप देख रहे हैं, इन हट्स की आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब पटनी टॉप का ट्रिप, मैं इससे पहले कभी नहीं गई। मैं हमेशा वैष्णो देवी जी की यात्रा कर ही मतलब आ गई हूँ, इससे आगे मैं कभी भी घूमने नहीं गई। और ये मेरे हस्बैंड हैं, आप देख रहे होंगे इनको बार बार मैं वीडियो में ले रही हूँ। और ये जो लड़की है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी, मेरी जेठानी की बेटी है, और इसका नाम है एंजल। और बहुत मज़ा आया था और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, आप लोग भी इंजॉय करो।
अगर आप लोगों के भी छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही इंजॉय करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर करने के लिए। और ये अभी हम नथर टॉप के लिए जा रहे हैं, तो ड्राइवर भैया ने हमें बताया था कि सबसे ऊंचा पॉइंट यही है यहाँ का, और बस क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ा ही आ गया। सीरियसली आप ज़रूर 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 जाना, जब भी आप पटनी टॉप जाओ प्लीज़ पटनी टॉप से वापस नहीं आना, आप लोग नथर टॉप और सनासर, आपको ये दो जगह पर जाना ही है, मस्ट विज़िट करना ही है। आप मुझे थैंक यू बोलोगे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कि थैंक यू सोनिया तुमने रिकमेंड किया, और सीरियसली जन्नत था। कहाँ से ऊपर, वहीं जाएंगे ना। व्यू देखो गाइस, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन सीरियसली ये फील करने वाली चीज़ है। ये आप कैमरा में यूट्यूब पर कैसे भी देख लो, बट ये जो एक्चुअल में जो फील करता है ना, जो यहाँ पर होकर आया है, जो घूम कर आया है, जो इन्जॉय करके आया है ना, सीरियसली वो भूल नहीं सकता इस वेदर को कभी भी, इस ब्यूटी ऑफ नेचर को कभी भी नहीं भूल सकता। सच बताऊँ तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग इतनी ऊंचाई पर थे ना, इतनी ऊंचाई पर थे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और ये आ गई मैं, मैंने कहा भाई मुझे भी थोड़ा सा वीडियो में ले लो, तो मुझे वीडियो डालना है तो लोग कहेंगे कि कौन है ये लड़की, तो थोड़ा सा मुझे भी कैप्चर कर लो। वैसे हम लोग जैकेट्स वगैरह रख कर ले गए थे कि अगर ठंड हुई तो हम लोग जैकेट वगैरह पहन लेंगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब वेदर इतना अच्छा था, इतना कूल था ना, मतलब अच्छा लग रहा था। दिल्ली की इतनी गर्मी, यू नो, इतनी गर्मी सहन करने के बाद यहाँ तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस क्या ही बताऊँ आप। यहीं आगे जाकर ना ये पहाड़ की चोटी, जो बिल्कुल चोटी आ जाएगी, और वहाँ पर एक टावर है, आप वहाँ तक जा सकते हो। लेकिन वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं थी, थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ा सा हम लोग ऊपर गए, थोड़ा फ़ोटोशूट किया, डांस वांस किया, और हम लोग आ गए। ये तो एक्चुअल में ऐसी जगह है ना कि आप लोग कार से आओ
अपने स्टोव वगैरह रख कर लाओ, बर्तन रख कर लेकर आओ, खाने की चीज़ें वगैरह लेकर आओ और यहाँ पर बैठो, इत्मीनान से कुकिंग करो, खाओ पियो, अपनी गाड़ी में गाने चलाओ और डांस करो, इन्जॉय करो। मतलब सीरियसली, मतलब बंदा पूरा दिन स्पेंड कर दे यहाँ पर। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ आएंगे ना, पूरा दिन लेकर चलेंगे, पूरा दिन मतलब हमारे पास हाफ डे हम लोग यहाँ पर इन्जॉय करेंगे अथा टॉप पे, और हाफ डे हम लोग जो है सनासर में इन्जॉय करेंगे। मतलब आधा आधा दिन तो पूरा चाहिए ही चाहिए यहाँ इन्जॉय करने के लिए। ये जो हट्स आप लोग देख रहे हैं ना, आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। हमें भैया ने बताया था, जिनकी ये लैंड है ना, वो बता रहे थे कि यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आएंगे तो आपको यहाँ बर्फ़ मिल सकती है। जैन टू मार्च में यहाँ बर्फ़ मिल जाती है, भैया ने बताया था हमको, जिनकी ये लैंड थी। JFM में तो यहाँ पर प्लान करना बनता ही है, तो अगर आप लोग जनवरी, फरवरी और मार्च में अगर माता वैष्णो देवी की लिए यात्रा के लिए आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर ज़रूर आना ना थर्ड टॉप पे। आपको यहाँ बर्फ़ मिलेगी और आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे। मेरी फैमिली है, मेरे जेठ, मेरे जेठानी, उनकी ये दोनों बच्चे हैं एंजल, प्रांजल, और मेरे हस्बैंड हैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में जैसे लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। भुट्टे खाओ, चाय पियो, मैगी खाओ, और ये मैं थोड़ा सा डांस कर रही थी भाई डांस करना तो बनता ही था, पहाड़ों पे आए हो तो गाने चल रहे हैं, और सोनिया कैसे पीछे रह सकती है डांस करने में। और अभी हम ये लोग इंजॉय कर आ गए हैं, और अभी हम लोग नीचे उतर रहे थे, अब हम लोग सना सर के लिए निकल गए थे यहाँ से, और जाते हुए रास्ता भी इतना ब्यूटीफुल था ना। आप उतरिए, टिकटॉक बनाइए, वीडियोस बनाइए। गाइस, मेरे इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, उसमें सना सर का वीडियो है और उसके बाद मैं शिवकोड़ी का ब्लॉग डालूंगी, तो दोनों का अलग अलग ब्लॉग डलेगा, सना सर का अलग और शिवकोड़ी का अलग। आप ज़रूर देखना, और मतलब बहुत इन्जॉय करोगे आप लोग भी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फर्स्ट वीडियो से आपको लगा होगा कि फर्स्ट वीडियो मैंने कहाँ है, बस वीडियोज़ डाल दिए और बस वॉइस ओवर कर रही है, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ, और जितने भी मेरे पास क्लिप, मेरे पास रिकॉर्ड थे, वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर अपलोड किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करना गाइस, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।